तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई का जो लीनियर इक्वेशन होगा उसी को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्लियर है। अब देखो इसका अलग अलग फॉर्म होगा, किसी भी लाइन को हम अगर जनरली एक्स और वाई का लीनियर इक्वेशन में देखें जहां एक्स और वाई दोनों का पावर वन होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है। चाहे उस इक्वेशन में तुमको पूरा का पूरा टर्म एलएचएस ऑफ द इक्वेशन दैट इज इक्वल टू जीरो लिखे, या मान लो इसको सिंप्लीफाई करके एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस सी लिखे, या इसको ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, हाँ एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस बी वाई लिखे, इसमें से जो भी फॉर्म में लिखे ये कैसे भी लिखे, मतलब सिर्फ एल एच एस में एक्स, हाँ आर एच एस में वाई टर्म अलोंग विथ कॉन्स्टेंट, या सिर्फ एल एच एस में वाई टर्म आर एच एस में एक्स और कॉन्स्टेंट, बेसिकली ये सभी एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है। दे आर ऑल आइदर इट इज रिटन दिस वे और दिस वे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो जैसे हम लोग एक्स वाई प्लेन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर एनी लाइन ड्रॉन ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर हम एक लाइन को एक्स वाई प्लेन में ऐसे ड्रॉ करते हैं एंड इफ सपोज अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग इफ इट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी वेयर दिस इज द ओरिजिन ओ जीरो जीरो, ठीक है ना, ये ओ है जीरो जीरो, तो ये होगा जहाँ भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, लाइन जहाँ भी वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दिस विल बी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और इन बिटवीन द ए एंड बी ये वाला जो पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द लाइन, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस और बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तुमको अगर इंटरसेप्टेड पोर्शन का बात करेगा किसी क्वेश्चन में कि एक लाइन का अगर ये इक्वेशन है तो उसका इंटरसेप्टेड पोर्शन का लेंथ क्या है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी वेयर ए इज द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड बी इज द वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, और वो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक्स और वाई एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस फ्रॉम, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी रेस्पेक्टिवली नोन एज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन।
क्लियर है। अब देखो इस लाइन का जो ज्योमेट्री वाइज जो एंगल दिखेगा विद द एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल, ठीक है, हमको ज्योमेट्री में दो एंगल दिख रहा है, देखो एक है थीटा और दूसरा है पाई माइनस थीटा, है ना। तो मेरे को पाई माइनस थीटा नहीं, थीटा को लेके बात करना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ थीटा। इस ज्योमेट्री में बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो ज्योमेट्रिकल एंगल दिख रहा है थीटा वाला, ठीक है, ये एंगल ही स्लोप डिसाइड करेगा। यानी कि स्लोप के लिए सिर्फ ये नहीं कहना है कि एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, फिर उसका मतलब ये थीटा भी हो जाता है या पाई माइनस थीटा भी होता है। तो तुमको एंगल डिसाइड करने के लिए कहना है वेयर थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द इम्पोर्टेंट वर्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय द लाइन, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय द लाइन का जो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मैंने लिखा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब है ये वाला डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर है। तो सिर्फ अगर कह देंगे कि वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा तो फिर उसका दो पॉसिबिलिटी बन जाता है, थीटा एज वेल एज पाई माइनस थीटा। तो कई बार हम लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वो एंगल जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है उसके साथ जो एंगल दिखेगा वो एंगल का टेन थीटा स्लोप डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर मान लो यही लाइन अगर मान लो मेरे को ऐसे दिख रहा है ना, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, तो ये हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट, और जो ये देखो ये थीटा है ना, समझ रहे हो कि नहीं। एट द पॉइंट ए दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो लाइन का एंगल होगा उस एंगल का इस्तेमाल करना है टू डिसाइड द स्लोप। यानी कि यहाँ फिर से स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी ज्योमेट्रिकली दिस थीटा, दिस टैन ऑफ थीटा, राइट। तो इसीलिए हमको ये बात अच्छी तरह से समझना है इस्तेमाल करते समय, वेन एवर वी विल बी राइटिंग द स्लोप, वेन एवर वी विल बी डिसाइडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन, देन व्हिच ज्योमेट्रिकल एंगल टू बी कंसिडर्ड, राइट।